अल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वल्लाहु यासिमुक मिन अन्नास। मज़ीद सामीन नाज़रीन, ये सूरह मायदा की आयत नंबर 67 का एक हिस्सा है। अगर कोई इंसान किसी मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर और अपने जानी दुश्मनों की दुश्मनी की बिना पर उनके नरगे के अंदर हो और इस हद तक जान को ख़तरा हो गया, किसी कीमत के ऊपर ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, शदीद जान का खौफ हो और उसके अंदर इंसान को ये बावर हो रहा हो और महसूस हो रहा हो कि मेरे मुखालिफ साजिशी और सख्त मेरी जान के जो दुश्मन हैं वो मुझे इस मौके के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, अगर इतना शदीद ख़तरा भी लाहक हो तो आप ज़हन के अंदर ये बात रख लें कि मौत और ज़िंदगी अता करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। अगर वो मारना चाहे तो सारी ताकतें मिलकर किसी इंसान को बचा नहीं सकती, और अगर वो बचाना चाहे तो पूरी कायनात मिलकर किसी इंसान को मार नहीं सकती। अगर दुश्मनों के नरगे के अंदर आप घिरे हुए हों तो इस आयत करीमा का आप विर्द करना शुरू कर दें, वल्लाहु यासिमुक मिन अन्नास, वल्लाहु यासिमुक मिन अन्नास, वल्लाहु यासिमुक मिन अन्नास। आप इस आयत करीमा का विर्द करना शुरू कर दें, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकत से इंशाल्लाह सही सलामत आपको अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। अगर वैसे भी कोई खदशात हों, ख़तरात हों, साजिशी लोगों की साजिशों का ख़तरा हो, ये शदीद मुखालिफ लोग हों, उनसे ख़तरा हो आपको कि वो आपकी जान के दुश्मन हैं, कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दें, तो आप हर रोज़ अव्वल आखिर तीन तीन मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 100 मरतबा वल्लाहु यासिमुक मिन अन्नास, वल्लाहु यासिमुक मिन अन्नास इस आयत करीमा का विर्द फरमाएं, अपने बदन के ऊपर, हाथों के ऊपर फूंक कर उसको मस करते चले जाएं और अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हिफाजत फरमाएगा और आपका दुश्मन कभी भी आपके ऊपर गालिब नहीं आएगा।